किसी कारण आज वो लड़की अपने घर पे नहीं है, उसके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहना चाहूंगा इस लड़की को ढूंढना, और जो इस लड़की का मेरे को पता बता देगा मैं उसको 1,00,000 रुपए दूंगा। 9 सितंबर को करीब 2 बजे बिंदास काव्या अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। हालांकि अब काव्या अपने पेरेंट्स को मिल गई है और ये इस वक्त अपने घर पर है। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे की घर पहुँचने के बाद काव्या ने खुद अपने पेरेंट्स के साथ लाइव आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए लोगों से माफी मांगा। लेकिन वही काव्या के मिसिंग वाले दिन जब इनकी न्यूज थारा भाई जोगिंदर के पास पहुंची, तो इन्होंने इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जो भी पर्सन काव्या का एड्रेस बताएगा मैं उसे अपनी तरफ से 1,00,000 रुपए दूंगा। साथ ही इन्होंने काव्या के पेरेंट्स को भी पूरा सपोर्ट करने की बात कही। हालांकि थारा भाई की वीडियो आने के कुछ ही घंटों बाद काव्या को पुलिस ने लखनऊ के पास इटारसी जंक्शन से पकड़ लिया। काव्या के मिलने के बाद इनके पेरेंट्स ने पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से लेकर हर एक पर्सन को धन्यवाद दिया। खैर, थारा भाई जोगिंदर का ये काम आपको कैसा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल एजे एजेंडा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए।